स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज है शरद पूर्णिमा, और शरद पूर्णिमा अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा माना जाता है, और आज के दिन हमारी लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती हैं। तो आज हमें लक्ष्मी जी और विष्णु जी की शाम के समय में विशेष तौर से पूजा करनी चाहिए। और आप सबको बता दें कि पूर्णिमा 16 तारीख को भी है, कितने लोग 17 को बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपको व्रत रखना है तो आप 16 को ही व्रत रखें, और खीर भी जो बना के रखना वो भी आप 16 तारीख को ही रखें। तो आज के दिन हमें लक्ष्मी जी और विष्णु जी की विशेष तौर से पूजा करनी चाहिए। और अगर आप सबसे हो सके तो माता रानी के पास, एक लक्ष्मी जी के पास रात को एक अखंड ज्योत भी जला दें अगर आपसे हो सके तो, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और हमें आज के दिन खीर बनाना है, तो खीर बहुत सारे लोग चावल के भी बना देते हैं और बहुत लोग मखाने के बनाते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को ज़्यादा पसंद है मखाने का खीर, तो हम सबको भी मखाने का खीर बनाना चाहिए। और मैं भी मखाने का ही खीर बनाती हूँ। और खीर बनाने के बाद आपको चंद्रमा को दिखा के उस खीर को, आपके पास अगर छत नहीं है, मान लीजिए छत, आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो बालकनी से अगर दिख रहा है चंद्रमा, तो बस चंद्रमा को दिखाकर और उसे आप एक चलनी से या किसी भी ढक्कन से ढक रहे हैं तो थोड़ी सी खुला रखना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खुला भी हमें रखना, क्योंकि आज के दिन माना जाता है कि आज अमृत वर्षा होती है। तो ये तो हमारे खीर में भी थोड़ा सा खुला रहेगा तभी अमृत वर्षा का अंश उसमें जा पाएगा। और इस खीर को ठंडा करके रखते हैं, और जब ये खीर ठंडा करके रखेंगे उसके बाद एक दो घंटे रखने के बाद भी आप हटा सकते हैं, पूरी रात रखने की ज़रूरत नहीं है, और उसे फिर रख दें। अगले दिन आप उसे अच्छे से नहा के धोवा के पूजा करके और प्रसाद रूप में आप लोग सब घर के जितने भी सदस्य हैं सब खाएं। इससे क्या है कि आपके स्वास्थ्य भी अच्छा रहेंगे, आपका निरोग शरीर रहेगा, मतलब इस खीर का एक अलग महत्व है। तो चलिए आज हम भी बनाएंगे मखाने की खीर। तो चलिए थोड़ी बहुत हो सके तो मैं शेयर कर देती हूँ। चलिए आ गए हैं किचन में, और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग व्रत 16 को रख रहे हैं कि 17 को रख रहे हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि अगर व्रत रखना है तो आप 16 तारीख को ही रखें और खीर भी 16 तारीख को रखें। तो चलिए खीर बनाते हैं। ठीक, गैस जला लिए हैं, कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं, पहले हल्का सा हम इसे भून लेंगे, मखाने को थोड़ी सी पहले भून लेंगे तब हम इसे दूध में डालेंगे। तो चलिए कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा घी। और आज का जो मखाने का खीर होता है वो प्रसाद के पर्पस से भी बहुत टेस्टी बनता है। चलिए थोड़ी सी डालते हैं इसमें मखाना, मुझे बनाना है थोड़ी सी, ज्यादा तो बनाना नहीं है, तो जितना बनाना है, अगर आप चाहें तो अपना जिस हिसाब से बनाना है आप अपना बना सकते हैं। चलिए मखाने को हम भून लिए हैं, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि इसे दूध में तो हमें पकाना ही है। तो चलिए अब इसे बंद करते हैं, और इधर हम चढ़ा दिए हैं दूध, दूध थोड़ा गर्म हो जाए, मतलब पूरा उबाल आने लगे तो फिर इसको डाल देंगे। देखिए इसमें डाल दिए हैं, अब इसको धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से हम पकने देंगे। अब तब इसमें हम क्या क्या डालेंगे आपके साथ अभी हम शेयर करेंगे, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। चलिए देखिए ये अच्छे से पक चुका है मखाना, अब इसमें हम मीठे के लिए चीनी, अगर आपका मन हो तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, नहीं तो मैं डालती हूँ खीर में, सेवई में, या किसी भी तरह का कोई मीठा चीज़ बनाती हूँ तो मैं मिल्क मेट ही ज़्यादा डालती हूँ, आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको डालने से टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। आप सब अगर नहीं डालते होंगे ना तो कभी डाल के बनाइएगा तो पता चलेगा कि कितना अच्छा टेस्ट आता है। चलिए, और खीर को ना ठंडा होने के बाद ही आप रखिएगा। ठीक, और ड्राई फ्रूट ऐसे हमारे यहाँ कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है खीर में या सिवाय किसी चीज़ में, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, देखिए किशमिश और ये क्या कहते हैं, किशमिश है, काजू है, अखरोट है और पिस्ता है, लेकिन ये हमारे यहाँ कोई ज़्यादा खाता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा ली हूँ और आप सबको दिखाने के लिए बस डाल देती हूँ थोड़ा सा। और चीनी चाहे तो आप डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती हूँ, मैं मिल्क मेट ही डालती हूँ, उसी से बहुत अच्छा मीठा आ जाता है और टेस्ट भी एक अलग हो जाता है। तो चलिए अब हमारा खीर बन के तैयार है, और इसे करेंगे अब ठंडा। देखिए
खीर को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लिए हैं। अब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसे चंद्रमा को दिखा के बालकनी में, अगर आपके पास छत हो तो आप छत पे डाल रख सकते हैं, लेकिन एक दो घंटे के बाद हटा के फिर रख लीजिएगा, पूरी रात नहीं रखना है। आप मतलब जब तक जगह है तब तक खीर को छत पे या बालकनी में रहने दीजिएगा, और जब सोने जाइएगा तो इसको ले जाके रख लीजिएगा फ्रिज में। देखिए ये मेरा अब ठंडा होगा तो हम इसे चंद्रमा में रखेंगे, और इसे हम जब रखेंगे तो इसको हल्का सा ऐसे करके रखेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कीड़ा या कोई भी जीव जंतु इसमें पड़ जाए, इसलिए आप ऐसे करके रखिएगा, ठीक, ताकि जो अमृत वर्षा हो वो थोड़ी सी बस जाए। दिखाते हैं हम अपने बालकोनी से आपको चंद्रमा, ये दिख रहा है ना, देखिए। चलिए और दिखाते हैं कि हम खीर को कैसे रखते हैं। खीर को हम यहाँ पर रख दिए हैं और इसे हम इससे ढक कर हल्का सा छोड़ देंगे, ठीक, और जब तक जगह है इसको बस ऐसे ही रहने दीजिएगा, और सोने जब जाने लगेगा तो इसे उठाकर आप घर में अपना रख लीजिएगा। शरद पूर्णिमा पे जो भी मुझे पता है मैंने तो आपके साथ वो सब कुछ शेयर कर दिया है, और आज आपको तो मैं दिखाई हूँ कि मैं मखाना का खीर बना के और अपने बालकनी में मैं भी रख दी हूँ। और आप सब भी शरद पूर्णिमा पे हर साल ऐसे ही कीजिए, और आज के दिन लक्ष्मी जी का और विष्णु भगवान का विशेष तौर से पूजा होती है, और रात में एक अगर हो सके तो अखंड ज्योत भी जला के रख दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट भी प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि मैं आप सबके लिए और भी अच्छे अच्छे से वीडियो ला पाऊँ। थैंक यू।